कोविड-19 और ओमिक्रॉन ही नहीं बल्कि JN1 से बचने का वक्त भी आ गया है। ऐसा हम नहीं बल्कि जिला स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बयां करने में लगे हैं कि कैसे साइबर सिटी में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। बीते 24 घंटों में कोरोना से एक महिला की मौत ने हड़कंप मचा दिया है। गुरुग्राम के CMO की माने तो साइबर सिटी में कोरोना संक्रमण एक बार फिर पैर पसारने लगा है, जिसके बाद तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल और लैब को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड को लेकर क्या कुछ तैयारी गुरुग्राम की और कितने केसेस आए, कैसे गए? मैं अगर दिसंबर माह की टोटल बात करूं तो दिसंबर माह में टोटल 25 केस जो हैं वो गुरुग्राम में कोविड के डिक्लेयर किए गए आए हैं पॉजिटिव के जो केसेस हैं। और अभी तक JN1 का जिसको जो नया वेरिएंट है वो नहीं आया। पीछे जी 6 हमने केसेस जो भेजे हुए, तो कुल मिलाकर हम सभी 25 सैंपल्स को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेज चुके हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 की रिपोर्ट आई है। उन 6 में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट ही था। JN1 का अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक कल कहूँ या परसों देर रात को कहूँ, एक जो 46 ईयर्स जो महिला थी, जो डायबिटिक भी थी और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के साथ थी, जिनकी EF 20% थी कोमोर्बिड कंडीशंस के साथ, वो पहले 28 दिसंबर को कथुरिया हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके बाद उमंग हॉस्पिटल में वो आगे अपने इलाज के लिए गई थी, तो उनका जो है एक डेथ हुई है। लेकिन प्रैक्टिकली उनमें भी अभी वेरिएंट का तो हमने जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजा हुआ, वो रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। लेकिन कोमोर्बिड कंडीशंस की वजह से मैं कहूँ तो हार्ट फेलियर और यूरिन सेप्सिस था साथ में, उसकी वजह से जो डेथ है, कोविड एक कंट्रीब्यूटरी फैक्टर, क्योंकि कोविड पॉजिटिव इसलिए उसको कोविड डेथ में डिक्लेयर किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारी है कोविड को लेकर, कुछ ऐसा आता है? इस महीने हम ऑलरेडी 2000 के आसपास टेस्ट हम कर चुके हैं। हम प्रतिदिन कोशिश कर रहे हैं कि मिनिमम 70-100 के करीब केसेस करें, और पॉजिटिविटी जो है वो अभी भी 1 या 1.25 के आसपास बनी हुई है। मैं रादर ये कहूँगा कि पैनिक की कोई सिचुएशन नहीं है। दिसंबर माह से ज़्यादा केसेस बल्कि अक्टूबर में रिपोर्ट हुए थे, तो अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। और संभवतः यदि आने वाले कुछ दिनों में पोस्ट ये फेस्टिव सीजन के बाद अगर केसेस में बढ़ोतरी नहीं हुई तो हम देखेंगे कि केसेस में ना इजाफा संभवतः नहीं होगा। जैसे मौसम चेंज हो रहा है उस हिसाब से कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे, तो लोगों को क्या हिदायत देना चाहेंगे, कैसे बचाव होगा? अभी मैंने जैसा बताया इक्का दुक्का केस ही रिपोर्ट होता है, लेकिन फिर भी लोगों को यदि किसी को भी कोल्ड या कॉमन कोल्ड का ऐसा कोई सिम्टम नजर आता है, ILI का कोई सिम्टम नजर आता है, तो आप अपने आप को आइसोलेट करें, मास्क पहने ताकि आप दूसरों को संक्रमण ना दें, और यदि आपको लगता है तो कोविड टेस्ट कराने के लिए आप नज़दीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर आएं जहां आपका कोविड टेस्ट मुफ्त में किया जाता है। और यदि आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो, क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही वेरिएंट या सब लीनियज अभी चल रहा है जो काफ़ी माइल्ड सिम्टम्स के साथ हैं, यदि आप अपना आइसोलेट करके घर पर भी रहेंगे, होम आइसोलेशन में रहेंगे, तो आपका इलाज संभव और पूरी रिकवरी हो सकती है।